क्या आपने कभी सोचा है कि क्या लोग नोटिस करते हैं कि आप अलग हैं? शायद नम्रता के साथ, दयालुता, नम्रता, गर्मजोशी, बुद्धि, या क्या उन्हें आपसे वो एहसास नहीं मिलता? नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये चुनौतीपूर्ण है, खासकर यदि आप स्वयं को मसीही कहते हैं। आखिरकार आपको अलग होना चाहिए और वो अंतर कम हो जाता है। मुझे बाइबल से ये कहने दीजिए, भले ही आप इसे सुनना ना चाहें। यहाँ लिखा है यूहन्ना 14:21-23 वचन में, जिसके पास मेरी आज्ञा है वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखिए, यीशु की आज्ञा का पालन करना अपने आप में हमें नहीं बचाता है, बल्कि ये एक प्रदर्शन है, हमारे विश्वास का प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, हम ईश्वर की आज्ञा मानकर अपना विश्वास दर्शाते हैं। लेकिन जैसा कि A.W. Tozer ने बताया कि हम आज्ञाकारिता के बिना उद्धार पाने के बदले कार्यों द्वारा उद्धार पाने की कोशिश में गिर गए हैं। जब हम वास्तव में वही करते हैं जो यीशु हमें करने के लिए कहते हैं, तो हम अलग दिखने लगते हैं, खुशी, प्यार, दयालुता के साथ भीड़ से बिल्कुल अलग दिखते हैं। लेकिन आप इसे अपने दम पर हासिल नहीं कर सकते, जी बिल्कुल नहीं। इसलिए जब आप यीशु की आज्ञा मानने के लिए निकलते हैं, तो उनकी उपस्थिति आपको उस महिमा से भर देती है जिसे लोग चूक नहीं सकते। अप्रिय के प्रति प्रेम के साथ, एक ऐसी अच्छाई के साथ जो आप में नहीं है। जो लोग वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं, वे न केवल मेरी आज्ञाओं को जानते हैं बल्कि उनका पालन भी करते हैं। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।